कभी मार्क करना अपने जीवन में, जलेबी मीठी है लेकिन टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी होती, गोल गोल, गन्ना सीधा है। मैंने कहा मीठा गन्ना भी है लेकिन वो सीधा है, मीठी जलेबी भी है लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने कहा ऐसा क्यों? जब मैंने विचार किया, चिंतन किया, तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि गन्ने की मिठास भीतर से पैदा होती है इसलिए वो सीधा होता है, और जलेबी की मिठास बाहर से डाली जाती है इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी। उसको गन्ने के रस में डुबोया जाता है तब जाके मीठी होती है, उसकी मिठास बाहर की है, भीतर से जलेबी मीठी नहीं होती है। वो गन्ने की जो मिठास हुआ करती है वो ऊपर से नहीं डाली जाती है। गन्ने की मिठास किसी खेत में खड़े होके तपस्वी बन करके मिठास अर्जित की जाती है तब गन्ना मीठा। ध्यान रखना, बाहर के मीठे भी लोग होंगे, भीतर से, जो भीतर से मीठा है वो सीधा हुआ करता है, और जो सीधा होता है वो आर्जव धर्म हुआ करता है, सरलता का। आर्जव माने सीधा, छल कपट नहीं होना। गन्ने जैसे मीठे बनो, जलेबी जैसे मीठे बनो, छल कपट। रंचक दगा बहुत दुखदानी, दूसरों को छलोगे तो आज नहीं कल रिजल्ट जरूर आएगा। रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं हो सकता था, लेकिन रावण जब साधु का रूप बना लेता है तो सीता भी धोखा खा जाया करती है। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज बुराई अच्छाई का रूप लेकर आ रही है, और जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो उस बुराई से लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। आज अच्छे अच्छे लोगों से बुराइयां पनप रही हैं। आज बुराई कभी राजनीति का रूप लेकर आती है, आज बुराई कभी इंसानियत का रूप लेकर आती है, आज बुराई कभी धर्म का रूप लेकर आती है, आज बुराई साधुओं का रूप लेकर आती। बुराई अच्छाई के रूप में आ रही है इसलिए लड़ना मुश्किल का काम हो रहा है। बुराई बुराई के रूप में आए, लादेन के रूप में बुराई आए तो उसका अंत किया जा सकता है, मगर धर्म के रूप में बुराई आए तो उसका अंत नहीं।